यहाँ तो पब्लिक तो है ही सही, झरना तो देखो यार, गजब का यार। ओ माय गॉड क्या सीन है, और ऊपर तक है लोग। गाड़ी लगाऊं गाड़ी लगाऊं गाड़ी लगाऊं क्या गाड़ी लगाऊं क्या, गाड़ी लगाते हैं लगाते हैं लगाते हैं भाई, जा नहीं सकते यहाँ से, लगाना पड़ेगी, लगानी ही पड़ेगी गाड़ी तो। भाई इस झरने का क्या नाम है? आंबोली दबदबा। आंबोली दबदबा, आंबोली दबदबा। तो फाइनली दोस्तों भुट्टा खाते खाते मैं आ गया यहाँ पर आंबोली दबदबा पे। तो मैंने थोड़ी सी तरकीब लगा ली है, देखिए अब तो सेल्फी स्टिक का थोड़ा सा डर है, वरना तो भुट्टा छीन ही लेते मेरे से ही है। ये ले आज मैं जा रहा हूँ गोवा से और महाबलेश्वर सोचा है मैंने, पर देखता हूँ कहाँ तक पहुँच पाता हूँ, क्योंकि कई बार तो मैंने सोचा है वहाँ तक मैं पहुँच ही नहीं पाया हूँ। जैसे मैंगलोर नहीं पहुँच पाया था मैं, और भी कई जगह ऐसी जो रास्ते में रुकना पड़ गया था। तो अब ऐसा ना हो कि अपन को रास्ते में रुकना पड़े, तो इसलिए चलते रहते हैं। थोड़ा घूम लिया अपन ने और बैठे बैठे जो थक गए थे वो भी थोड़ा सा फ्रेशनेस आ गई, और झरना देखने के बाद तो फ्रेशनेस आई है। चलो तो चलते हैं आगे, बाय बाय गोवा। दोस्तों गोवा सिटी में और हाईवे पे ऐसे आपको कई काजू के शॉप्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे रेट है 600, 700, 800, 600 वाला भी अच्छा है, और 700 वाला तो है ही सही और 800 वाला तो है ही सही। और ये 1 किलो की रेट है, और हो सकता है 5, 6, 10 किलो, 20 किलो लेने पे और सस्ता मिलता हो। तो दोस्तों कमेंट करके बताना है आपको कि आपकी सिटी में क्या रेट है और कौन सी सिटी में रहते हो, ताकि सबको मालूम पड़े कि कौन सी सिटी में काजू की क्या रेट है। चलिए मैं आगे चलता हूँ, थोड़ी देर में गोवा ख़त्म और महाराष्ट्र स्टार्ट। और ये है महाराष्ट्र का एक छोटा गांव, पर कई सारे बाइक राइडर्स हैं, बाइक से मतलब साइकिल राइडर। तो ग्राउंड हो गया, आगे चलो। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ महाराष्ट्र के घने जंगलों में, जहाँ पर आप देख सकते हैं पेड़ों की ऊंचाई कितनी है, और ये पूरे घने जंगल हैं यहाँ पर। अब बाइक मेरी यहाँ खड़ी है, तो ज़्यादा देर नहीं रुकते हैं क्योंकि लेपर्ड भी है, तो फटाफट निकलते हैं यहाँ से। अब एक एक्टिवा वाले भैया तो दिखे, वरना इतनी देर से कोई सड़क पे दिख भी नहीं रहा था। और यहाँ पे वाटरफॉल भी एक, और ये सांतावाड़ी जंगल है, सांतावाड़ी। ओ मंगू 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 मंकीज मंकीज मंकीज, और भी है आगे, छोटू छोटू छोटू। और दोस्तों एक ज़रूरी जानकारी दे दूं, अगर आप इस रास्ते से आ रहे हो मतलब गोवा से पुणे की तरफ जा रहे हो समझ लीजिए, तो गाड़ी में पेट्रोल डीजल जरूर रखना फुल करके, क्योंकि ये करीब करीब 50, 60, 70 किलोमीटर का, अभी तो मैं आधे रास्ते पे आया हूँ, क्योंकि अभी तो सिर्फ चढ़ रहा हूँ, अभी तो उतरने का रास्ता अलग ही है। तो इतने रास्ते में कोई पेट्रोल पम्प नहीं है, और खाने पीने का भी सामान साथ में रखना, क्योंकि कोई दुकान हो नहीं सकती है, तो जगह ही ऐसी है, या तो झरने गिर रहे हैं या फिर रास्ता है, तो कोई दुकान वकान आपको मिलने वाली नहीं है। तो खाने पीने का सामान जरूर साथ में रखना, और गाड़ी में अपना जो फ्यूल है वो जरूर भरा के रखना, वरना आप दिक्कत में पड़ सकते हैं यहाँ पर। और कोशिश करना कि दिन में ही निकल जाएं यहाँ से, ये जगह रात के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है रात के लायक, तो दिन में ही निकल जाना है यहाँ से। तो मैं भी निकल जाता हूँ, मैं तो बाइक पर हूँ, मुझे बाइकर और भी नहीं दिख रहे यहाँ पर, अब एक जना दिखा हुआ आ रहा है अभी, हैं पर कम कम है। मंकी पाइट यहाँ तो पब्लिक तो है ही सही, झरना तो देखो यार, गजब का यार।
माय गॉड क्या सीन है, और ऊपर तक हैं लोग। नाम बोली दबदबा है भाई। तो फाइनली दोस्तों भुट्टा खाते खाते मैं आ गया यहाँ पर आंबोली दबदबा पे। एक बार और देख लूँ। चलो अब चलते हैं। वैसे मन नहीं भर रहा वास्तव में दोस्तों, एकदम से पूरा सीन ही चेंज हो गया है। इतने बड़े बड़े पेड़ वाला घना जंगल और पहाड़ थे, और अभी एकदम से ऐसे वाले पहाड़ आ गए। या तो इधर मिट्टी नहीं है इसलिए उग नहीं पा रहे हैं वो, पर हाँ एकदम इस तरफ भी नहीं है, वरना उसके तो साइड में भी बड़े बड़े पेड़ थे और मैं वहाँ रुका था, वहाँ झरना वहाँ था। वहाँ पर दोस्तों गजब की जगह है ना दोस्तों। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, दरअसल गड़बड़ गोवा से ही शुरू हो गई थी। मैंने उसमें सर्च में डाला मेरी लोकेशन से महाबलेश्वर, जबकि मुझे डालना चाहिए था उसमें गोवा से महाबलेश्वर। तो दोस्तों जो कोल्हापुर बीच में आता है इन दोनों के बीच में, तो गोवा से कोल्हापुर का रास्ता एक अच्छा थोड़ा ठीक है हाईवे जैसा, लेकिन दोस्तों जिस रास्ते में मैं चल रहा हूँ ना, ये पणजी से कोल्हापुर अगर आप सर्च करेंगे तो इस रास्ते पे ठीक है, झरने वरने तो आए, लेकिन है ना रास्ता ख़राब है, बारिश ज़्यादा होती है, छोटा रोड है और रास्ता ख़राब है दोस्तों बहुत ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है मेरे को, अभी दिन के 1 बज रही है और मैं 4 घंटे हो गए कंटिन्यू ड्राइव करते हुए मुझे, और मैं कुछ ऐसा लगता है कि अभी मैं शायद 100 किलोमीटर ही चलाऊँ। तो सुबह नाश्ता भी नहीं किया आज, तो अभी मैं रुका हूँ बिग बॉस होटल में, और ये रोड के किनारे ही है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा एक बज गई है तो नाश्ता भी नहीं कराया, कुछ खाना खा लेते हैं। तो खाना मंगाया है, खाना आता है, खाना खाते हैं, क्यों आगे चलते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसा ना कि हो कि रास्ता पूरा ऐसा हो तो मुझे फिर शायद से कोल्हापुर ही रुकना पड़ जाए। तो दोस्तों थाली आज मैंने मंगाई है एक करी वाली, और ये तो एक है, और साथ में उन्होंने एक आमलेट भी दिया है, 2 चपाती है, और एक ये है सोल कड़ी, सामने भी है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो आप देख रहे हो सोल कड़ी, और ये कोल्हापुरी कुछ है डिश, पान रसा, और ये एक थोड़ा एक्स्ट्रा ग्रेवी और दी इन्होंने, बाकी सलाद है और चपाती थोड़ी सी मैदे वाली है, मैदे से मतलब चपाती थोड़ी तंदूरी जैसी वाली है। चलिए तो मैं खाता हूँ उसको और निकलते हैं, क्योंकि कोल्हापुर अभी बहुत दूर है और कोल्हापुर के बाद में महाबलेश्वर तो बहुत दूर है। देखते हैं कहाँ रुकते हैं, मुझे पता नहीं चल रहा क्योंकि रास्ते की कंडीशन ठीक नहीं है अभी तक, तो हो सकता है आगे ठीक हो जाए। चलिए मैं फिनिश करता हूँ, चलते हैं आगे। दोस्तों बहुत तेज़ बरसात हो गई है और एक पेड़ के नीचे खड़े हैं अभी, और बस भीग रहे हैं, कुछ लोग और हैं अंकल वगैरह। अब कोई छुपने की जगह नहीं, कोई होटल भी नहीं है आसपास की, वहाँ चले जाएं। चलिए फ़ोन भी रखता हूँ अंदर में, वरना फ़ोन ख़राब हो जाएगा। बारिश तो हो रही तेज, मैं उस एक पेड़ के पीछे नीचे था, उधर से तो आ गया हूँ मैं इधर शॉप के, कम से कम थोड़ा सा आ रहा है, पर बारिश बहुत तेज हो रही है और जमी हुई है अभी, तो पता नहीं लग रहा है कब खुलेगी। चाय रेडी है, चाय पीते हैं पहले, बारिश रुकेगी जब रुकेगी। तो दोस्तों मैं सातारा में ही रुक गया, और बारिश बहुत तेज़ थी तो महाबलेश्वर जाना ठीक नहीं लगा मुझे, और रास्ते में मौसम और ख़राब हो सकता है, बल्कि ठंडा लग रहा था गीला होने के बाद में। तो सतारा में एक होटल ले ली, यहीं पे रुक रहा हूँ मैं आज रात को, और कल सुबह फिर मैं जाऊँगा महाबलेश्वर। पर दोस्तों अभी जब जिस होटल में मैं रुका हूँ उन्होंने बताया कि एक रास्ते में एक जगह पड़ती है कास पठार, और बहुत ही फेमस जगह है, फूल उगते हैं वहाँ पर मानसून के बाद में लगभग 15-20 दिन के लिए। तो ये भी अच्छा हुआ कि वरना मैं जब जाता तो शायद अंधेरा हो जाता, तो वो चीज़ देख नहीं पाता, तो कल वो देखते हुए चलना है अपन को। कहते हैं कि वहाँ 800 प्रकार के फूल 800 प्रकार के फूल हैं, जिसमें से 29-30 फूल तो ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ वहाँ मिलते हैं। तो अब मुझे भी एक्साइटमेंट है सुबह के लिए कि सुबह देखते हैं कैसा दिखता है कास पठार। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी, बारिश ने तो कंटिन्यूस जब से स्टार्ट मैंने जर्नी करी है, अजमेर से निकला हूँ तब से ही कंटिन्यूस बरसात है।
तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल शाम को 4 बजे, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और बीच बीच में मेरी वीडियो भी देखते रहिए। बाय।